स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर हर जो मुमकिन प्रयास है वो कर रहा है। हमारा जितने भी आइसोलेशन सेंटर थे, कोविड केयर सेंटर थे, और जितने भी दवा उपकरण, मेडिसिन और अन्य भी जो हमारे कोविड से रिलेटेड सामग्री थी, सभी चीज़ों को तैयार रखा गया। इस तरह की कोई भी केसेस हमारे जिले में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, हमारा नज़र है उस पर, हम लोग हर दिन समीक्षा हमारा लगातार चल रहा है, हर दिन हम 5,000 से ऊपर जांच करवा रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य समिति पूरी तरह से है तैयार, बढ़ाया जांच का दायरा। कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के लिए मधेपुरा जिला स्वास्थ्य समिति ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मामले की जानकारी देते हुए DPM प्रिंस कुमार ने बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट के आहट को देखते हुए जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा सभी प्रकार की तैयारी पूरी कर ली गई है और जांच का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाहर से आने जाने वाले सभी लोगों को चिन्हित कर उनका जाँच कराया जा रहा है। रोजाना 500 से अधिक मरीजों का कोरोना जाँच किया जा रहा है। अब तक इस तरह का कोई भी मामला जिले में सामने नहीं आया है। सभी स्वास्थ्य कर्मी, आंगनबाड़ी सेविका, आशा कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्रों में रोजाना वेरीफाई करें और ऐसे लोगों को चिन्हित करें जो बाहर से घर आए हैं, और उन्हें तुरंत कोरोना का जांच कराएं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित PSC, CSC, APSC में लगातार कोरोना जांच किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट आने की संभावना है, इसको लेकर के जिले में क्या तैयारी चल रही है सर? कोरोना का नया वेरिएंट के बारे में जानकारी हम लोग को भी प्राप्त हुई है अभी से 1 महीने पहले, और अभी तक ज़िले में इस तरह का कोई केस हम लोग के पास नहीं आया है। अभी तक हमारा एक्टिव केस की संख्या 0 है। जांच हमारा लगातार चल रहा है, हर दिन हम 5,000 से ऊपर जांच करवा रहे हैं। अगर इस तरह का कोई भी चीज़ आएगा तो हम लोग ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे कर्मियों का भी सेंसिटाइजेशन कर चुके हैं इस मुद्दे पर कि कहीं से कुछ भी अगर इस तरह का निकलता है तो उसकी सूचना तुरंत जिला मुख्यालय तक आनी चाहिए, और फिर हम लोग उसके बाद जो उसका नियमानुसार आगे का जो कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं। दूसरा जो एक विशेष है कि जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं, या तो वो एब्रॉड किसी अदर कंट्री से आ रहे हों या फिर बिहार के बाहर से आ रहे हैं, उन पर स्पेशली ध्यान देकर सारे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स और जितने भी हमारे हेल्थ केयर स्टाफ हैं सबको सेंसिटाइज किया गया है कि आप उनका तुरंत जैसे ही आपको खबर प्राप्त मिलती है उसको यथाशीघ्र उसका RT-PCR जांच करवाएं, और जांच कराने के उपरांत ही उस पर फिर हम लोग आगे निर्णय लेते हैं कि अगर वहां पे किसी को पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो फिर हम लोग उसका पॉजिटिव का जो हमारा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसको हम फॉलो करते हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग अपने स्तर पर हर जो मुमकिन प्रयास है वो कर रहा है। हमारा जितने भी आइसोलेशन सेंटर थे, कोविड केयर सेंटर थे, और जितने भी दवा उपकरण, मेडिसिन और अन्य भी जो हमारे कोविड से रिलेटेड सामग्री थी, सभी चीज़ों को तैयार रखा गया है। अभी तक इस तरह की कोई भी केसेस हमारे ज़िले में अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन हम लोग अलर्ट हैं, हमारा नज़र है उस पर, हम लोग हर दिन समीक्षा कर रहे हैं कोविड जाँच का। धन्यवाद सर।